के दौरे पर निकले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज कई जिलों का दौरा करेंगे और इस दौरान वो चौपाल लगाकर लोगों से रूबरू होंगे। सीएम बलरामपुर के बैसर, सूरजपुर के केशवनगर, कोरबा के कैराझरिया, मुंगेली के लोहदा में आज चौपाल कार्यक्रम में शामिल होने के बाद शाम 6 बजे रायपुर लौट आएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम के सोमवार को अंबिकापुर पहुंचने पर सीएम भूपेश बघेल का प्रशासनिक अधिकारियों और कांग्रेस नेताओं ने स्वागत किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह के अलावा सरगुजा के लगभग सभी विधायक मौजूद थे। और इधर स्वागत और लोगों से मुलाकात के बाद सीएम सीधे अंबिकापुर के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने सैकड़ों हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टे का वितरण किया। बैठक आयोजित की गई है, वन अधिकार पट्टे के मामले में कार्यशाला का आयोजन किया गया है और अभी सर्किट हाउस में 300 हितग्राहियों को वन अधिकार मान्यता प्राप्त वितरित किया गया है, जिसमें से 136 गैर आदिवासी भी शामिल हैं। जो परंपरागत रूप से वहाँ निवास करते हैं उनको भी दिया गया है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। वन अधिकार पट्टी के लिए हम लोग बहुत दिन से संघर्ष किए सर, संघर्ष करते करते सर 3 पीढ़ी हो रहा है सर। जो जिसका भी पट्टा मिला है सर, उसमें मेरे दादाजी कब्जा किए थे, और दादाजी भी कई बार आवेदन किए, उनको भी पट्टा नहीं मिला। और उसके बाद मेरे पिताजी आवेदन किए, उनको भी पट्टा नहीं मिला। अब मान लीजिए उनके पोता महेश जगत राम को भी पट्टा मिला है। तो मुख्यमंत्री साहब महाराज, हमारे देश के जन्मवाही हैं, आज सरगुजा छत्तीसगढ़ के अपना बनाए के गरीब के सेवा करे बर वहाँ आए हैं, तो ओकरे लिए हम आए हैं।